हेलो एवरीवन, थैंक यू एवरीवन फॉर योर सपोर्ट इन इन माय लास्ट लेसन। सो दिस इज़ अवर नेक्स्ट लेसन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। इन लास्ट लेसन वी स्टडीड अबाउट द प्राइसिंग और प्राइस मिक्स। इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू कंसिडर अबाउट द प्लेस मिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। सो लेट वी स्टार्ट नाउ। मीनिंग ऑफ प्लेस मिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स, सबसे पहले हम एक बार मीनिंग देख लेते हैं, इसका होता क्या है। सो प्लेस मिक्स वो एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है टू मेक द प्रोडक्ट एसेसिबल एंड अवेलेबल टू द टारगेट कस्टमर्स। मतलब वो अपने प्लेस मिक्स में क्या होता है कि वो अपने कस्टमर्स तक, वो अपने टारगेटेड कस्टमर्स तक वो प्रोडक्ट को कैसे पहुँचाए, फ्रॉम द पॉइंट of origin factory to the point of consumption। Place mix में वो set of activities होती हैं, decisions होते हैं जो ensure करता है right product to the right customer in the right time and the right price and at the right place in a right manner। So to ensure right products to right customer in right time and price at right place in a right manner, उसमें two set of activities include होती हैं, managing channel members and managing logistic activities। Place mix जो होता है वो सारे decisions को include करता है, physical distribution को include करता है। It is essential to perform these activities to ensure products to the right customers इन द राइट टाइम। सो ये बहुत तरह की यूटिलिटीज़ को प्रोवाइड करता है, जैसे कि ये इम्पॉर्टेंट रोल करता है एक ओनरशिप में, ट्रांसफ़र ऑफ प्रोडक्ट्स में, एक और एक बहुत ही क्रूशल फंक्शन है प्लेस मिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स मार्केटिंग का। ये डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करता है टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, ओनरशिप यूटिलिटी। मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्ट होता है तो वो क्या करता है, टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है, और अगर एक्सचेंज हो रहा है कोई भी गुड देन वो आपको ओनरशिप यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, और आखिर आपको मैनेजमेंट जो आप कर रहे हैं गुड्स का वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, देन आपको प्लेस यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन सेटिस्फाई करता है डिफरेंट कस्टमर्स को बाय प्रोवाइडिंग द राइट प्रोडक्ट एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस। देन आपका इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, मूवमेंट ऑफ गुड्स। मूवमेंट ऑफ गुड्स क्या कहता है कि मेजर ऑब्जेक्टिव है डिस्ट्रीब्यूशन का टू प्रोवाइड द प्रोडक्ट फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन थ्रू मार्केटिंग चैनल सिस्टम। वो मतलब एंड फाइनली कैसे वो कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुँचाए, मेन मकसद आपका यही होता है प्लेस मिक्स का। देन आपका सेकेंड होता है सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट। सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट क्या कहता है, जो कि प्रोडक्ट है उसका प्रॉपर स्टोरेज और हैंडलिंग हो जिससे वो प्रोडक्ट रीच करे कस्टमर तक एक प्रॉपर कंडीशन में। देन आपका होता है थर्ड कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन क्या कहता है, जैसे कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं तो वो उन्हें कैसे मिनिमाइज़ करें और कैसे वो मैन्युफैक्चर से आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचे और मिनिमाइज हो जाए कॉस्ट। सो ये कॉस्ट रिडक्शन कहते हैं। देन आपका अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, ये आपका मूवमेंट ऑफ गुड्स से के जितना ही इम्पॉर्टेंट है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड, क्योंकि आखिर इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होगा जब यह ईजीली अवेलेबिलिटी होगी गुड्स की, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ही हेल्प करता है कंज्यूमर को टू गेट द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स। सो एंड टू गेट द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स एट एनी प्लेस एंड एनी टाइम, कोई भी प्लेस और कोई भी टाइम पे वो प्रोडक्ट पहुंचाता है प्रोडक्ट। एंड मतलब मेन वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लेस मिस्क यही है। देन आपका इसके होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन फुलफिल होता है आखिर प्रोडक्ट आपका राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, राइट कंडीशन में पहुंचता है तो कस्टमर ऑब्वियसली बात है सेटिस्फाई होगा वो प्रोडक्ट को देख के अपने राइट टाइम और राइट प्लेस पे। थस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेट ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्टिव्स टू रेंडर क्रूशियल सर्विसेज ऑफ रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स।
देन इसके बाद आपका आता है मीनिंग ऑफ मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब क्या होता है? बहुत सारे इंटरमीडिएट्स होते हैं मार्केट में, हम सबको पता है, टू डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। इनको ही हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहते हैं या मार्केटिंग चैनल्स कहते हैं। मार्केटिंग चैनल जो होता है वो एक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस होता है जो ट्रांसफर करता है ओनरशिप ऑफ गुड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, मतलब इन द हैंड्स ऑफ कस्टमर्स, कैसे हम प्रोडक्ट पहुँचाएँ। ये आपके मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एजेंट्स भी हो सकते हैं, होलसेलर भी होते हैं, रिटेलर्स भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होते हैं, एंड नाउ इवन इंटरनेट भी हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सो ये चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन एक पाथ होता है, एक रूट होता है जो गुड्स को मूव करता है फ्रॉम प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स और इंडस्ट्रियल यूजर्स। सो मार्केटिंग फर्म्स होती हैं, वो यूज़ करती हैं आपके डायरेक्ट चैनल्स टू सप्लाई देयर प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर्स, और ये डिस्ट्रीब्यूट करती हैं अपने मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स की हेल्प लेके थ्रू डिफरेंट चैनल्स। इसमें होलसेलर्स भी होते हैं, रिटेलर्स भी होते हैं, जो कि मार्केट इंटरमीडिएट्स की तरह काम करते हैं फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। देन आपके आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट चैनल्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, ये कैसे हो सकते हैं आपके? फर्स्ट वन आपका क्या सकता है, प्रोड्यूसर टू होलसेलर टू रिटेलर टू कस्टमर। देन आपका कैसा हो सकता है इसमें, प्रोड्यूसर टू एजेंट टू रिटेलर टू कंज्यूमर। देन आपका कैसा हो सकता है, प्रोड्यूसर टू एजेंट, देन होलसेलर आपका, देन रिटेलर आपका, देन आपका कस्टमर, देन आपका लास्ट में कैसा होता है, प्रोड्यूसर होगा आपका सिंपली, देन आपका रिटेलर और कस्टमर ऑफ वन लेवल चैनल। इसको हम एक बार और अच्छे से नेक्स्ट डायग्राम में समझते हैं। ये आप देखिए, ये हैं आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, कैसे सेलिंग डायरेक्टली टू कस्टमर्स, मतलब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर सीधा पहुंच जाएगा, या सेलिंग थ्रू रिटेलर्स, मतलब प्रोड्यूसर के बाद रिटेलर आ जाएगा फिर कंज्यूमर आ जाएगा, या सेलिंग थ्रू होलसेलर, पहले प्रोड्यूसर तो फिर होलसेलर फिर रिटेलर फिर कंज्यूमर। हम अपनी कॉमन लाइफ में देखें तो जो याला चैनल है मोस्टली फॉलो होता है, प्रोड्यूसर के पास से सामान जाता है होलसेलर, देन रिटेलर, देन कंज्यूमर। हम जनरली छोटे छोटे शॉप्स भी आते हैं रिटेलर्स के पास जाते हैं सामान खरीदने के लिए, वो किससे खरीदते हैं, होलसेलर से। वो कहाँ से लाते हैं सामान, प्रोड्यूसर से लाते हैं। सो जनरली आपका ये जो थर्ड टाइप है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का, यही फॉलो होता है मार्केट स्ट्रक्चर में। सो इसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फंक्शंस होते हैं जो कि ऑन द बिहाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और प्लेसमेंट्स ये परफॉर्म करते हैं, जो मार्केट मार्केट इंटरमीडिएट्स होते हैं ये परफॉर्म करते हैं कुछ फंक्शंस, जैसे कि आपका फर्स्ट वन हो जाता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, देन उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, कांटेक्ट करते हैं डायरेक्टली डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल से, मैचिंग करते हैं कि मतलब अपने से प्रोडक्ट ये ट्रांसफ़र किया है तो वो उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है, नेगोशिएशन होता है प्राइस नेगोशिएशन की, जब आप एक प्रोडक्ट दूसरे लेवल पे इंटरमीडिएट्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसमें डेफिनेटली मैचिंग भी की जाती है और प्राइस का नेगोशिएशन भी किया जाता है, कम ज़्यादा भी किया जाता है। फिर उसके बाद फाइनली वो प्रोडक्ट को फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसका पैसा देते हैं, फाइनेंसिंग करते हैं, और देन उसको फिर ये साइकिल हो जाता है दोबारा। इसमें रिस्क भी आता है क्योंकि हम एक बल्क प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूसर से होलसेलर पर पहुँचाएंगे, डेफिनेटली उसमें रिस्क भी होगा क्योंकि वो बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में होगा और काफ़ी हाई स्केल ऑफ प्रोडक्शन पे होगा, हाई स्केल कॉस्ट होगी, तो वो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू हमें उसे प्रॉपरली कम्युनिकेट करना होता है और उसको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाना होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के। इन दिस लेसन वी कंसिडर्ड अबाउट द प्लेस और डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। इसमें हमने पढ़ा कि कस्टमर का कैसा कैसा सेटिस्फेक्शन मिलता है थ्रू द डिफरेंट मार्केटिंग चैनल्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। इसमें रिटेलर भी आता है, आपका होलसेलर आता है, या आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हो प्रोड्यूसर से,
स्टॉक्स के अकॉर्डिंग। दैट आपके इसमें बहुत सारे एजेंट्स भी आते हैं, डिफरेंट चैनल्स भी आते हैं जो कि कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर दिस लेसन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब गुरुकुल स्कूल, गुरुकुल ई स्कूल, एंड बी हैप्पी। थैंक यू।